Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are good. So welcome back हो गया है another vlog के अंदर. अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं करा, सबसे पहले जाओ और channel को subscribe करो. तो जी guys, आज का vlog यहाँ से शुरू होता है. तो मैंने पिछले vlog में जैसा कि डाला था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो भाई बेसिकली हम अभी कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी. अभी बहुत सारी मेरे पास तैयारियाँ करनी है, हमारे को कपड़े, ये वो, ज्वेलरी, मेहंदी. अभी इवन तो मेरे मेहंदी भी नहीं लगी है अब, जो कि मुझे लगानी है अभी. और आज जुम्मा है और आज बहुत 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 सारे काम हैं. तो भाई बहुत सारी तैयारियाँ हैं, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी मैं. बस आप लोगों को इस ब्लॉग को एंड तक देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो वही वेडिंग की प्रेप्स करनी है और मुझे एक शख्स अभी तैयार होता हुआ इतना दिख रहा है, पता नहीं क्यों तैयार होके क्यों घूम रही हूँ, क्या बात है यार. वो ना मेरा दिल चाहता है, बस मैं वैसे ही तैयार हो रही. अच्छा, इसने तो लाइनर शाइनर भी लगाया हुआ है ना, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी लगाऊँ. लेकिन नहीं, मैं अभी आता है ना तो कुछ भी वाली तैयार हो गया. कुछ भी मतलब कुछ भी दिल जाएगा तो कुछ भी करोगे क्या? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई. तो भाई अभी हमारे पास तो प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है, मैं ऊपर आई हूँ और मैंने कहा चलो भाई आज ऊपर ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं हमने. एनी वेज अभी हम नीचे चलते हैं और मेरे को कुछ तैयारियाँ करनी है, तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. तो जी गाइस, आज तो भाई खाने में हम किचन में ही लेके जाएंगे, आज हम आपको यहीं पर दिखाएंगे कि खाने में क्या बन रहा है. तो भाई खाने में हमारे पास बन रहा है पालक गोश्त. तो इसकी मम्मा यहाँ पर कटिंग शटिंग कर रही हैं, ये देखें ये हमारी ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है, खत्म ही हो गई है ना, हो गई सारी. और ये यहाँ पे देखें थोड़ा सा रह गया, और हमने अभी चाय वाय पी थी तो सब कुछ यहाँ पे अभी इसलिए बिखरा हुआ है. तो और आप लोग देखें मेरे मेहंदी भी लगा ली है अपने, अभी बाकी लगना और बाकी है. खैर अभी ये लगा ली और साथ साथ हमारा यहाँ पे खाने की तैयारी चल. तो यहाँ पर अब देखें सारा पालक हमारा रेडी हो चुका है और मैं काफ़ी देर से यहाँ पर बैठी हुई हूँ. सर्दियों की सब्जियां होती हैं, इनमें काफी टाइम लग जाता है. और यहाँ पर एक शख्स पढ़ रहा है, से हाय. हाय कर रहा हूँ, हाय. अच्छा बस ये रह गई, बाकी सब कुछ हो गया. तो भाई अभी ये बन जाएगी, उसके बाद जब ये तैयार होगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किचन में भी जाके कि भाई किस तरह बन रही है, क्या हो रहा है सब कुछ. तो ठीक है, तो अभी मिलते हैं. ठीक गाइस, अभी हम लोग ज्वेलरी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पहनना है हमारे को, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो भाई यहाँ पर ये ज्वेलरी हमारी पड़ी हुई है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ. तो भाई हिफ्ज़ा यार ज़रा खोल के दिखाना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ. एक हमारे पास ये वाला नेकलेस है, ये भी हम पहन सकते हैं. और ये है हमारे पास, इसमें भी हैं अलग अलग हैं बहुत सारे. ये वाला भी ये देखिए तो प्यारा लग रहा है वाला, वाह. इसमें रिंग भी है एक, और एक ये है. तो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या पहनूं. तो भाई मैं आप लोग अपना अभी ड्रेस भी दिखाऊंगी कि क्या ड्रेस है मेरा. सो अभी मैं ज्वेलरी डिसाइड करती हूँ. हिफ्ज़ा तुम क्या पहनने वाली हो कल? मैं पहनूंगी ये, दिखाओ ज़रा क्या है ये. यार इस पर तो बेयर्स बने हुए हैं, अच्छा लग रहा है, लगा के दिखाओ थोड़ा. लुकिंग लाइक अ वाओ. तो जी गाइज, मेरी समझ नहीं आ रहा है कौन से इयरिंग्स पहनूँ. मैं ये वाले इयरिंग्स भी पहन सकती हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मेरे में इतने अच्छे लगेंगे. सो मैं सोच रही हूँ ये वाले पहन लूँ. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मेरी समझ ही नहीं आ रहा यार मैं क्या पहनूँ. ऊपर से लाइट भी गई हुई है यार. सो अभी हम ज्वेलरी फाइनली डिसाइड कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो जी गाइज, हमारी ज्वेलरी शुलरी सब कुछ हो चुकी है डिसाइड. अब मैंने कहा आप लोगों को मैं अपने आउटफिट्स दिखा देती हूँ कि हमारे आउटफिट्स क्या होने वाले हैं. सो ये हमारा है हिफ्ज़ा का आउटफिट, ये हिफ्ज़ा का है जो हिफ्ज़ा वेयर करने वाली है, और ये मेरा ब्लू आउटफिट है और मम्मा का मैरून आउटफिट है. सो और हिना का वहाँ पर है, वो अभी रेडी होना बाकी है. सो ये हमारे आउटफिट्स हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं. अब आप लोग वेट करें जिसमें हम आपको फुल लुक दिखाएंगे अपनी तैयार होने के बाद. बाकी अभी भी कुछ तैयारियाँ बाकी हैं, सो वो भी मेरे को करनी है. सो जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं और मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बस आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना और ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना. सो लेट्स गो. क्या हम बोर हो जाएंगे तो हम खाना पड़ेगा, क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें लाएगी. वाह ये क्या यार, ये है चॉकलेट कैरेमल. नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर ये पैकिंग है, सिर्फ इसके अंदर कुछ और है. इसमें आई थिंक नींबू है, नींबू वगैरह है. कितना सारा लाएगी और इसमें टिप्स वगैरह हैं और क्या है. और मम्मा ये क्या है, ये
निकाल दिया। मैंने पीछे में मार दिया। कैसा प्यारा है यार, मेरे बहुत अच्छा लगा यार। सारे वाइट वाला दिखाओ मेरे को। वाह तो प्यारा लग रहा है दीदी। थोड़ा एस्थेटिक नहीं लग रहा है ये वाले? एस्थेटिक लग रहा है, एस्थेटिक अच्छे लग रहे हैं। और हिफ्जा अपनी मेहंदी तो दिखाओ भाई। मेहंदी मैंने आप लोगों को आता ना, मैंने लगा दी, मैं दिखाती हूँ। दिखा दो अपनी मेहंदी, दिखा दो। वो क्या ही लग रही है। हाँ मम्मा आप भी दिखा दें अपनी मेहंदी। मम्मा भी यहाँ पे मौजूद है। सो गाइस ये मम्मा की मेहंदी अच्छी लग रही है ना गाइस। तुमने अपनी एक हाथ पे नहीं लगाई, बिल्कुल मैरून कलर है। हाँ मैरून कलर आ रही है। मम्मा की पूरी डन हो गई, जितना भी मेरे मेहंदी ही लगी, बाकी सबके लग गई। हीना के भी एक हाथ पे नहीं लगी ना, हीना तुम्हारे एक हाथ पे। मैंने बस एक पे लगाई। अच्छा तो भाई अभी ये सामान भी हमारा आ चुका है। ऑलमोस्ट काम हमारे डन होते जा रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे लेकिन काम बाकी है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ बाइंड अप करते हैं। तो जी गाइस खाना वगैरह मैंने खा लिया है और हमारी तैयारियाँ बिल्कुल डन हो चुकी हैं। अब बस हमें जाना है। सो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट ब्लॉग बिल्कुल भी देखना नहीं भूलिएगा, आके आप लोग को पता चल सके आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं और क्या है और क्यों इतनी प्रिपरेशन हो रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। मैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।